बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माय नेम इज़ मोहम्मद नुमान। वेलकम टू मेडिकल हैक्स। वेलकम टू मेडिकल हैक्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है लोअर लिम का, क्योंकि अपर लिम में बड़ी स्लो स्पीड जा रही थी तो हमने सोचा कि साथ साथ अपर लिम के साथ साथ लोअर लिम की वीडियोस भी बनाएं। तो बच्चों की गाइडेंस के लिए हम साथ लोअर लिम की वीडियोस भी बनाया करेंगे अब। और हम इंटीरियर ऑफ थाई से करेंगे और एंड तक जाएंगे। हम अपने बोन भी अरेंज वगैरह कर लिए हैं। हम इंशाल्लाह बोन्स की वीडियो भी डालेंगे आपके, वो तमाम बोन डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ बोन की आपको मेडिकल हैक्स पे अवेलेबल होंगी। जो आपको आज का टॉपिक है मेरा, मैंने बी डी चौरासिया से लिया है, और वो जो टॉपिक्स हैं वो है फिमोरल शीट, फिमोरल ट्रायंगल और फिमोरल रिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फिमोरल ट्रायंगल। फिमोरल ट्रायंगल इज़ अ स्लाइटली डिप्रेशन इन द अपर वन थर्ड ऑफ थाई जस्ट बिलो द इंग्वाइन लिगमेंट। दिस इज़ द इंग्वाइन लिगमेंट, आप देख सकते हैं इस पिक के अंदर ये इंग्वाइन लिगमेंट है। ये हमारे पास दिस इज़ अ फिमोरल ट्रायंगल। ये फिमोरल ट्रायंगल है अपर वन थर्ड ऑफ थाई के अंदर। अब इसकी बाउंड्रीज, व्हाट इज द फिमोरल ट्रायंगल, इसकी हमने पढ़ लिया। अब हम इसकी बाउंड्रीज देखेंगे। अगर हम बाउंड्रीज देखें तो लिटरली इट इज़ फॉर्म बाय द मिडिल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस एंड मिडली इज़ फॉर्म बाय द मिडिल बॉर्डर ऑफ अडक्टर लोंगस। अब इस वीडियो के अंदर देखें, दिस इज सार्टोरियस, दिस इज द अडक्टर लोंगस। सार्टोरियस मसल देखें, ये मूव कर रहा है, दिस इज द, ये लिटर भी होता है हमारे पास, और ये इस मिडिल बॉर्डर होता है, ये इसका लेटर बाउंड्री बना रही है, ये हमारे पास मिडिल बाउंड्री बना रही है। यानी सार्टोरियस और डक्टर लोंगस दे फॉर्म द बाउंड्रीज ऑफ द फिमोरल ट्रायंगल। उसके बाद हम देखेंगे बेस। बेस देखें, यहाँ बेस डायरेक्टेड अपवर्ड है, यहाँ पे इंग्वाइन लिगमेंट है। द बेस इज कवर्ड बाय द इंग्वाइन लिगमेंट। जो अपेक्स होती है ये देखिए डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और यहाँ पे दोनों बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। दिस आर ऑल द बाउंड्रीज ऑफ फिमोरल ट्रायंगल। यानी लेटर इज फॉर्म बाय सार्टोरियस, मिडल इज फॉर्म बाय द डक्टर लोंगस एंड द बेस इज फॉर्म बाय द इंग्वाइन लिगमेंट एंड द जो अपेक्स होता है दिस क्रॉस बाय द वेयर द टू बॉर्डर्स क्रॉस कर जाते हैं हमारे पास। ये आपको इस पिक के अंदर नज़र आ रहा होगा, ये पिक ज़्यादा क्लियर है, देख लें। सार्टोरियस, अडक्टर लोंगस, इंग्वाइन लिगमेंट। उसके बाद हम रूफ देखते हैं। रूफ इज़ फॉर्म बाय द स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। अब सुपरफिशियल फेशिया के अंदर, डीप फेशिया के अंदर सब चीज़ें आएंगी, वहाँ पर क्यूटेनियस नर्व्स भी आएंगे, क्यूटेनियस आर्टरीज भी आएंगे, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो सब कुछ आएंगे। डीप फेशिया के अंदर क्रिब्रीफॉर्म फेशिया भी आएगा, जो मॉडिफिकेशन होती है डीप फेशिया के, क्रिब्रीफॉर्म फेशिया, जहाँ से लॉन्ग स्पेनस, जहाँ पे स्पेनस ओपनिंग होती है और जहाँ पे ग्रेटर स्पेनस वेन जो इंटर होती है हमारे पास, इसमें वो सब कुछ आएगा। डीप फेशिया की मॉडिफिकेशन, फेशिया लाटा, सब कुछ इसके अंदर आएगा। इसके बाद फ्लोर, व्हाट इज द फ्लोर। फ्लोर इज फॉर्म बाय द मिडली बाय डक्टर लोंगस एंड पेक्टिनस एंड लेटली बाय इलियासस एंड लियाकस एंड स्वास मेजर। अब हम ये वीडियो देख लें, अब ये पिक देखें, इसके अंदर ये देखें कि आपको कि फ्लोर कौन चीज़ें बना रही है हमारे पास। ये सार्टोरियस डक्टर लोंगस हमारी बाउंड्री थी, अभी देखें इलियाकस आ गया इसके साथ, जो हमारा बना रहा था लिटरली इलियाकस और श्वास मेजर आ गया। ये देखिए टेंडन ऑफ श्वास मेजर इलियाकस है, ये हमारे पास लिटरली फ्लोर बना रहे हैं, और मिडली बनाते हैं हमारे पास अडक्टर लोंगस और पेक्टिनस आ गया। देखिए दिस इज अडक्टर लोंगस मसल और दिस इज पेक्टिनस मसल, ये हमारी मिडिल बाउंड्री बना रही है फ्लोर की। अब ये हमने सारी बाउंड्रीज पढ़ ली। उसके बाद के व्हाट इज द कंटेंट्स ऑफ फिमोरल ट्रायंगल। द कंटेंट्स ऑफ फिमोरल ट्रायंगल आर द फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन, फिमोरल शीट इनक्लोजिंग द फिमोरल वेसल्स, द नर्व टू पेक्टिनस, फिमोरल ब्रांच ऑफ जॉइंट ऑफ फिमोरल नर्व, फिमोरल नर्व और लिटिल क्रूडी नर्व ऑफ थाई और द डीप इंग्वाइन लाइफ नोड्स। अब इसके अंदर देखें, इस पिक के अंदर आपको कंटेंट्स नजर आएंगे। सबसे जो लिटिल मोस्ट कंपार्टमेंट के अंदर होता है ना, वो हमारे सबसे मिडिल मोस्ट कंपार्टमेंट के अंदर होता है, वो हमारे पास लाइफ नोड होते हैं। द लाइफ नोड ऑक्यूपाइज द मोस्ट मिडिल मोस्ट कंपार्टमेंट ऑफ द फिमोरल ट्रायंगल। उसके बाद इफ दिस इज अ फिमोरल शीट, फिमोरल शीट भी फिमोरल ट्रायंगल के अंदर इनक्लोज होती है। अब देखिए नर्व आउटसाइड ऑफ द फिमोरल शीट है, लेकिन इनसाइड द फिमोरल ट्रायंगल है। फिमोरल ट्रायंगल के अंदर ये सब कुछ इनक्लोज होता है, लाइफ नोड्स, द फिमोरल वेन और फिमोरल आर्टरी, और जो जॉइंट ऑफ फिमोरल नर्व है वो आर्टरी वाले कंपार्टमेंट के अंदर ही होती है। देखिए दिस इज द जॉइंट ऑफ फिमोरल नर्व। उसके बाद फिमोरल नर्व इट इज आउटसाइड ऑफ फिमोरल शीट बट इनसाइड द फिमोरल ट्रायंगल। उसके बाद व्हाट इज द फिमोरल शीट। फिमोरल शीट इज अ फनल शेप स्लीव ऑफ फेशिया इन्वॉल्व द 2-3 सेंटीमीटर ऑफ फिमोरल वेसल्स। के हाउ द फिमोरल शीट इज फॉर्म, फिमोरल शीट कैसे फॉर्म होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि फिमोरल शीट ये बहुत इंपॉर्टेंट यू क्यू है। फिमोरल ट्रायंगल, फिमोरल शीट, इंटीरियर थाई का हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ की यू क्यू है, हर चीज़ इसकी इंपॉर्टेंट है, हर दफ़ा आई हुई है यू क्यू के अंदर, पास पेपर्स के अंदर आई हुई है। तो आपको इसकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए बाउंड्रीज, इसके कंटेंट्स, और ईजी है, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, रॉकेट साइंस भी नहीं है कुछ भी इसके अंदर। फिमोरल शीट, फिमोरल शीट की दो लेयर्स होती हैं, इंटीरियरली बाय फेशिया ट्रांसवर्सलिस एंड पोस्टीरियरली बाय फेशिया इलियाका। अब फेशिया इलियाका कवर द इलियाकस मसल, वो कवर करता है, इंटीरियरली फेशिया ट्रांसवर्सलिस होते हैं हमारे पास। दिस टू बाउंड्रीज होती हैं हमारे पास फिमोरल शीट की। उसके बाद फिमोरल शीट है, अभी हमने पीछे देखा है, ये देखें फिमोरल शीट के अंदर जो चीज़ें थी ये देखें, दिस इज़ अ फिमोरल शीट है, देखिए टोटली कवर कर रही है। द मिडिल मोस्ट कंपार्टमेंट कंटेन लाइम्फ नोड, द इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट कंटेन द फिमोरल वेन एंड द मोस्ट लिटिल कंपार्टमेंट कंटेन द फिमोरल आर्टरी। दिस इज द कंटेंट ऑफ द फिमोरल शीट।
फिमोल शीट के कंटेंट ये आते हैं हमारे अंदर। देखें द लिटल आर्टेरियल कंपार्टमेंट फिमोल आर्टरी, फिमोल वेन, मिडिल कंपार्टमेंट मिडिल मोस्ट होता है वो हमारे पास फिमोल फिमोल लाइफ नोड होते हैं वहाँ पे, और वहीं पे हमारे पास फिमोल केनाल बनती है। अब द व्हाट इज द फिमोल केनाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है। व्हाट इज द फिमोल केनाल, द कोनिकल शेप केनाल होती है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर वाइड एट द बेस, इसका द फिमोल केनाल है। फिमोल केनाल अब बनती कैसे है, अब इसका प्रोसीजर ऐसे होता है कि इस पीक के अंदर देखें, ये देखें दिस इज द फिमोल शीट है। अब जो जो सबसे मिडिल मोस्ट कंपार्टमेंट है ना, इसमें फिमोल लाइफ नोड होते हैं। अब होता यह है कि इंट्रामस्कुलर सेप्टम ऑफ जो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट का होता है और जो होता है लेटर कंपार्टमेंट का, इसे हम कहते हैं फिमोल आर्टरी और फिमोल वेन वाला, इसके इंटरमस्कुलर सेप्टम है ना ये फ्यूज कर जाते हैं वाल के साथ, तो दोनों क्लोज हो जाते हैं। लेकिन जो इंटरमस्कुलर सेप्टम फिमोल नाइफ नोड वाले कंपार्टमेंट के हैं ना, इसके जो इंटरमस्कुलर सेप्टम है फ्यूज़ नहीं कर पाते वाल के साथ, तो ये ओपन रहता है। तो ये ओपन रहता है तो उसके ऊपर जो वहाँ पे फिमोल रिंग बनती है, सेम कहते हैं फिमोल केनाल बनती है वहाँ पे, यानी मोस्ट मिडिल मोस्ट कंपार्टमेंट के अंदर विच कंटेन द फिमोल नाइफ नोड, वहाँ पे हमारे पास फिमोल केनाल बनती है और वहीं पे फिमोल रिंग बनती है हमारे पास, और सबसे वीकेस्ट एरिया ये होता है हमारे पास। अब ये देखें फिमोल केनाल, ये देखें अपर एंड ऑफ फिमोल केनाल फिमोल रिंग से इनक्लोज होती है हमारे पास, ये देखें दिस इज द फिमोल केनाल, सबसे मिडिल मोस्ट कंपार्टमेंट फिमोल नाइफ नोड वाला। आपको प्रोसीजर बताया कि हाउ द फिमोल केनाल फॉर्म्ड, उसके बाद इसके बढ़ती है और ये फिमोल केनाल बन जाती है। फिमोल केनाल जो सुपीली होती है ना, इट इज़ कवर्ड बाय द फिमोल रिंग। फिमोल रिंग की बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिमोल रिंग इज इनक्लोज बाय इंटीरियरली बाय इंगोइनल लिगामेंट, पोस्टीरियरली बाय पेक्टिनस, मिडली बाय द लैक्यूनर लिगामेंट। दिस लैक्यूनर लिगामेंट वेरी इंपॉर्टेंट है सर्जिकल प्रोसेस के अंदर, जब हमें फिमोल हर्निया होता है। फिमोल हर्निया अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जब बताएंगे कैसे पोस्टीरियर ऑफ एब्डोमिनल वॉल होती है दिस फिमोल रिंग के अंदर। जो फिमोल रिंग बनी है ना, सबसे स्मॉलेस्ट एरिया और सबसे वीकेस्ट एरिया है, और जब हमारे पास फिमोल हर्निया होता है, जब हम इंटर एब्डोमिनल प्रेशर हमारा ओवरकम कर लेते हैं, तो हमारा एब्डोमिनल कंटेंट इस फिमोल रिंग के अंदर आ जाता है। इसे हम फिमोल, ये सारा प्रोसीजर आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे, व्हाट इज फिमोल हर्निया और व्हाट इज इंगोइनल हर्निया, सब कुछ बताएंगे। दिस इज़ अ फिमोल केनाल, दिस इज़ अ फिमोल केनाल बन गई हमारे पास, उसकी बाउंड्रीज वगैरह बन गई हैं। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, हमने आज डिस्कस किया फिमोल ट्राइंगल, फिमोल केनाल और फिमोल रिंग के बारे में, और बाकी जो वीडियो है फिमोल हर्निया की और बाकी एडक्टर केनाल की, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर होगा। लास्ट में हम आपको बताते हैं PMU का व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत फेथफुल ग्रुप है, बहुत फेथफुल ग्रुप है। इसके अंदर आपको हर किस्म की बुक्स मिलती हैं, हर किस्म के नोट्स PDFs मिलती हैं। मैं खुद इसका मेंबर हूँ और मैं खुद इसका एडमिन हूँ, आप इसको ज्वाइन करें, आप बहुत हेल्पफुल ग्रुप है। और लास्ट में थैंक यू, प्लीज़ काइंडली शेयर और लाइक सब्सक्राइब इस चैनल, शुक्रिया।